Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अनुज के बुरे दिन। वनराज शाह दे रहा है अनुज को प्यार पे एडवाइस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। बड़ी हैरानी हुई आज देख के कि वनराज शाह अनुज को एडवाइस दे रहा है, वो भी प्यार पे। तो बात करते हैं इसके ऊपर। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। वनराज शाह जिसने प्यार किया तो काव्या से, अनुपमा से तो उसका प्यार था नहीं, काव्या से प्यार किया। और काव्या आज कहां पे है, पत्नी बनके उसके घर पे है, मगर किस चीज से उसको वो जो है एंटरटेन करता है। हमेशा उसके साथ नफरत देखता है, हमेशा उसके साथ जो है सीधे मुंह बात नहीं करता है। तो वनराज शाह का प्यार का इतना ही एक्सपीरियंस है कि प्यार किया तो पत्नी बना लिया तो हो गया खत्म, पत्नी को घर पे रख के अब होगी बात खत्म, प्यार कहाँ है कैसे है वो उसको पता नहीं है। मगर अनुज को वो एडवाइस दे रहा है कि प्यार में ये होता है, प्यार में वो होता है, प्यार में उदासी ये वो सब होता है। अगर प्रैक्टिकल वर्ल्ड की बात करें तो वनराज सही कह रहा है, मगर ये जो रूहानी प्यार वाले लोग होते हैं वो इन बातों से काफी ऊपर उठे होते हैं। जो मिलके भी नहीं मिलते हैं मगर प्यार नहीं खत्म होता, वो इन बातों से उठे होते हैं। इसलिए अनुज ने अपने प्यार की बात कही और कहा तुम ये नहीं समझोगे, बिल्कुल नहीं समझेगा वनराज शाह। मगर हैरानी तो है ना कि वनराज शाह को सब चीजों का पता है और प्यार का भी पता है, और जो प्यार की मूर्ति है अनुज और अनुपमा उनको वो ये एडवाइस देने की बात कर रहा है। तो कैसी लगी आपको वनराज शाह की एडवाइस बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।